आपने कभी ना कभी इस चीज़ को ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा कि आप यहाँ पे बैठ के या अपने ऑफिस में किसी के बारे में सोच रहे हो और इमीडिएटली उसका कॉल आ जाता है और आप उसको एक्सप्लेन भी करते हो कि मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी, बहुत मैजिकली मेरा तुम्हारे साथ कनेक्शन हो गया। वो क्या था? आपका उसके साथ टेलीपैथिकली एक मैसेज गया, आपके थॉट से आप कनेक्ट करे और उसको वो मैसेज गया और उधर से उसके भी मन में यही सेम चीज़ आई और उसने आपको कॉल किया। ऐसा ही एक और एग्जांपल लेते हैं, आप कभी आपके मन में कोई सॉन्ग चल रहा होता है और इमीडिएटली आप टीवी ऑन करते हो आपको वहाँ पे भी वही सॉन्ग सुनाई देता है, आप रोड पे जा रहे हो आपको वहाँ पे वो सॉन्ग सुनाई दे जाता है। तो ऐसा एक्सपीरियंस हम सभी ने कभी ना कभी किया होता है, लेकिन हमें इसके ऊपर हैरानी क्यों होती है? क्योंकि कॉन्शियसली हम इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करते कि जब तक हम बोल के किसी को अपनी बात नहीं बताते तो उसको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। लेकिन रियलिटी क्या है, सच क्या है, इस पूरे दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में हम एनर्जी लेवल पे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्शन में ऑलरेडी हैं, लेकिन हमारे कॉन्शियस माइंड की वजह से हम अपने आप को एक फिज़िकल लेवल पे एक बहुत ही लिमिटेड बॉडी समझ के बस यही सोचते हैं कि जो मैं अभी कॉन्शियसली कर रही हूँ यही सच्चाई है, लेकिन हमारी जो एनर्जी है उसके बियॉन्ड है। तो उसके साथ हम अपना कनेक्शन कैसे बनाएं, किसी को भी अपना टेलीपैथी के ज़रिए मैसेज कैसे भेजें, आज मैं आपको वही बताने जा रही हूँ। उसके स्टेप्स आप लिख भी सकते हो अगर आप चाहो तो, ताकि आप इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करो और अपने पार्टनर के साथ, आप किसी भी इंसान के साथ रिलेशनशिप में अपने आप को ठीक करना चाहते हो, अपना अंदर की जो आपकी मैसेज है, जो अपनी बात है वो पहुंचाना चाहते हो कि जो आप सामने नहीं बोल पाते हो, तो आप टेलीपैथी करके उसको वो मैसेज दे सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है, हमेशा जब भी आपका कॉन्शियस माइंड आपके साथ डाउट करे कि ये पॉसिबल नहीं है कि मैं अपने मन में कोई बात बोल रही हूँ और वो सामने वाले पर्सन को सुनाई दे, एट एनर्जी लेवल वी ऑल आर वन, वी ऑल आर कनेक्टेड, एक ही ऊर्जा है जो उस पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है, उसी एनर्जी के साथ हम सभी जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत ही लॉजिकल चीज़ है कि अगर आप एनर्जी के लेवल पे हर इंसान हम आपस में कनेक्टेड हैं तो ये बहुत नॉर्मल है कि हम अपना मैसेज किसी को भी पहुंचा सकते हैं। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला ब्लॉकेज जो आता है वो आता है कॉन्शियस माइंड का, तो उसको स्टॉप करने के लिए ही पहला स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप इज़ कॉन्शियस माइंड को शांत करना है ताकि हम एनर्जेटिकली अपने आप को उस चीज़ के लिए रेडी कर सकें। और इसके लिए क्या करना है? ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग में आप कुछ लंबे और गहरे सांस लेंगे, अपने सांसों पे ही ध्यान रखेंगे और अपने मन को शांत करेंगे। जब आपका माइंड पूरी तरह से फुली शांत होता है तो आप अपनी फिजिकल बाउंड्री को हटा के अपनी एनर्जेटिक जो आपकी एक्चुअल रियलिटी है आप उसको फील करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग मेडिटेट करते होंगे, बहुत सारी मेडिटेशंस मैंने इस चैनल पर भी डाली हैं, आपको बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते होंगे जो आपको ऐसा लगता है कि आप किसी और ही दुनिया में थे। तो वही होता है कि आप अपना एनर्जी जो आपका ट्रू है नेचर आप उसको फील करते हो उस टाइम पे। आपको ये भी ध्यान नहीं रहता कि आप एक घर में, आप किसी रूम में बैठ के वो मेडिटेशन कर रहे थे। उसी स्टेट को हमने सबसे पहले बनाना है, अंदर से अपने आप को पूरी तरह से शांत करके अपनी सेंसेस को पूरी तरह से एक जगह पे फोकस करके लेके आना है। तो ब्रीदिंग आप कैसे कर सकते हो? जब आप नॉर्मली सांस ले रहे हो, एक लंबा गहरा सांस लेंगे और धीरे धीरे उसे जाने देंगे। इस ब्रीदिंग के साथ अपने शरीर को रिलैक्स करते जाएंगे, ढीला छोड़ते जाएंगे। एंड ब्रीद आउट। आप देखोगे कि आधे मिनट से भी कम टाइम लगेगा, आपका माइंड एकदम से अब शांत होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज आपने जो करनी है, अपने मन को शांत करना है। अभी हम इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं, आप मेरे साथ इसको करो। बाकी के जो सारे स्टेप्स हैं वो हम इस प्रैक्टिस के दौरान ही साथ साथ में सीखते जाएंगे, आपको अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अपनी आंखें बंद करके आपको एकदम रिलैक्स बैठना है। आप चेयर पे बैठे हैं, चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद करेंगे ताकि हमारी सारी सेंसेस की जो एनर्जी बाहर की ओर जाती है वो अब अंदर की ओर मुड़ना स्टार्ट हो। सो लेट्स स्टार्ट। एक लंबा गहरा सांस भरें और धीरे धीरे उसे जाने दें। एक और लंबा और गहरा सांस भरें और धीरे धीरे उसे भी जाने दें। कुछ और लंबे और गहरे सांस लें, जाने दें।
हर एक सांस के ऊपर ध्यान लेकर जाएं। अपने हाथों में, अपने शरीर में, अपने फोरहेड के आसपास आपको कुछ सेंसेशंस फील होती होंगी, वो फील होने दें। अपनी बॉडी को शांत होने दें और पूरी तरह से इसी मोमेंट में अपना ध्यान लेकर आएं। इस प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए पूरी अवेयरनेस अपनी सांसों पे, अपने शरीर पर पूरी अच्छे तरह से लेकर आए। सेकंड स्टेप क्या है? आपको अपना ध्यान अपने थर्ड आई पर लेकर जाना है। थर्ड आई आपके आईब्रोज के बीच में जो है, आपका थर्ड आई सेंटर इंट्यूशन का सेंटर है, थॉट्स का सेंटर है, तो हम थॉट्स के ज़रिए कनेक्ट होंगे। तो अपने थर्ड आई के ऊपर ध्यान लेकर जाएंगे। अब ऐसा इमेजिन करेंगे कि वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा वाइट लाइट आप देख पा रहे हैं, ये पूरी तरह से वाइट लाइट के साथ आपका थर्ड आई, आपका पूरा फोरहेड टेम्पल एरिया भर चुका है। अब वहाँ उसको देख पा रहे हैं। अपनी ब्रीदिंग को कंटिन्यू ही रखेंगे। और ऐसा इमेजिन करें कि आपका पूरा शरीर उसी प्योर वाइट लाइट के साथ भर चुका है। आपकी ये जो बॉडी है वो इस तरह नहीं, बस एक प्योर वाइट लाइट है, प्योर एनर्जी, उसे महसूस करें। अब इसी से जुड़ा हुआ हमारा थर्ड स्टेप है, महसूस करें कि आप में और इस वाइट लाइट में कोई डिफरेंस नहीं है। आप पूरी तरह से इस वाइट लाइट में एंटर कर चुके हो। आप जहाँ तक भी अपनी नज़र दौड़ाते हो, आपकी नज़र जहाँ तक भी जाती है, आपको बस ये प्योर वाइट लाइट दिखाई देती है, फील होती है अपने शरीर में, अपनी पूरी बॉडी में, और आपके शरीर में से भी यही प्योर वाइट लाइट बाहर की ओर फैलती जा रही है। आप अपनी एनर्जी के साथ पूरी तरह से कनेक्शन में हो इस टाइम पे, इस तरह से महसूस करें। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, उस पर्सन को विजुलाइज करें जिसको आप मैसेज भेजना चाहते हैं। याद रहे, आपका ध्यान अपनी ब्रीदिंग के ऊपर ही होना चाहिए। एट द सेम टाइम आपका फोकस उस एक पर्सन के ऊपर हो जिसको आप अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, और देखें कि वो बिल्कुल आपकी आंखों के सामने, आपके सामने आ चुके हैं। उनकी प्रेजेंस को फील करें। उनकी प्रेजेंस आपको कैसे फील होती है उसे फील करें। कैसे वो स्माइल करते हैं, उनकी स्माइल को देखें, उनकी आंखों में देखें, उनके पूरे फेस को देखें। फील ईच एंड एवरीथिंग। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज कि अब आप उनको अपना वो मैसेज लाउडली बोल कर भी बताएंगे, रिपीट करते जाएंगे अपने उस मैसेज को, जो भी आप कहना चाहते हो, अपना जो भी मैसेज अपने मन में देते आए हो, वो अभी आप उनको देने वाले हो। उस मैसेज को अपने मन में रेगुलरली लगातार रिपीट करते जाएं, कंटिन्यूसली रिपीट करते जाएं। या आपको अगर और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है तो आप लाउडली उन्हें बोल के अपना मैसेज दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका झगड़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि आप इसे सॉर्ट आउट करें, तो आप यहाँ पे उन्हें ये मैसेज दे सकते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ एंड आई रियली केयर फॉर यू, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दें उस गलती के लिए, या जो भी हुआ उसे भुला दें और हम फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। एंड आई रियली लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ,
और मैं जानती हूँ कि आप भी इस प्यार को महसूस कर पा रहे हैं। आई रियली लव यू, आपको महसूस कर पा रही हूँ और आप भी मेरी प्रेजेंस को महसूस कर पा रहे हैं। आप इस तरह से अपना मैसेज रिपीट करते जाएं, रिपीट करते जाएं, उसे फील करते जाएं। आप अपना पूरा टाइम लें, जितना भी टाइम आपका मन करे, आप इस मैसेज को देते जाएं, फील करते जाएं। अब इसी के साथ एक और स्टेप, आप उनकी ओर से भी वो रिप्लाई सुने, आप भी उनकी ओर से वो मैसेज रिसीव करें जो एक्चुअल में आप चाहते हैं कि उनकी ओर से आपको रिप्लाई आए। फॉर एग्जांपल, इस केस में रिप्लाई मैं जो चाहती हूँ यही है कि पास्ट को भुलाते हैं, हम फिर से इसकी शुरुआत करते हैं, एंड आई रियली लव यू टू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखता हूँ, अब से मैं तुम्हारी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखूँगा, आई लव यू टू एंड आई रियली लव यू। फील द वर्ड्स कि उन्होंने किस तरह से ये शब्द बोले, उनके चेहरे के हाव भाव भी देखें कि कितनी स्माइल है, कितना प्यार है आपके लिए। इस तरह से आप अपना मैसेज भेजें। और जितना टाइम भी आपका मन करे आप इसे भेजते जाएं। जब आप इसे फील कर पा रहे हैं इस पल में कि ये हो रहा है, यही इसका प्रूफ है कि आप अपना मैसेज बहुत अच्छे से भेज पा रहे हैं। व्हेन यू फील इट, इट मींस यू रियली सेंड योर मैसेज। एंड एट द लास्ट, अपनी ब्रीदिंग फिर से कंटिन्यू करते हुए अपनी बॉडी के प्रति, अपने एनवायरनमेंट के प्रति अवेयर हो जाएं। एक बार और लंबा गहरा सांस लें और धीरे धीरे उसे जाने दें। मूव योर हैंड्स, मूव योर फिंगर्स, रैप योर हैंड्स और इस पूरी एनर्जी को अपने फेस पर लगाते हुए धीरे धीरे वापस इसी पल में आएंगे। एंड स्लोली ओपन योर आइज। आपको इस एक्टिविटी को करके कैसा लगा, आप एक्चुअल में क्या इस चीज़ को फील कर पाए कि एक्चुअल में आप कहीं और पे थे, एनर्जेटिकली आपने एक कनेक्शन बनाया, अगर आपने इसे फील किया है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और इस प्रैक्टिस को करके आपको क्या रिजल्ट्स अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस हो रहे हैं आप वो भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप प्रैक्टिस करते रहें, आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे।